फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद मानसी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है डेट 10 अप्रैल और दिन है आज फ्राइडे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, कम से कम 10:30 बज रहे हैं। तो अभी सिर्फ मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ और बाकी सब लोग उठ चुके हैं। यूवी अभी आज फिर से सो रहा है इस टाइम तक लेट। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में और कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। और मैंने राजमा को भिगो कर रखा था, रात मैंने राजमा भिगो दिया था। सोच रही थी कि सुबह बनाऊँगी, लेकिन अब ये बोलने लगी कि राजमा ऐसा करना, शाम को बना लेना और अभी तुम आलू के पराठे बना लो। तो इसीलिए मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। अब तो ये मुझे ऐसा लग रहा है लंच और ब्रेकफास्ट सिर्फ यही हो जाएगा, क्योंकि पराठे थोड़े हैवी हो जाते हैं वैसे भी। और इधर मैंने जो सब्जियां ली थी कल, इन्हें वॉश करके अच्छे से रखा हुआ है चलनी में कि इनका जो भी पानी है वो निचड़ जाए। और अभी अच्छे से सूख गई हैं। इसको मैं नाश्ता वाश्ता करने के बाद इनको फ्रिज में रख दूँगी। ये बहुत अच्छे से सूख गई है सारी सब्ज़ी। और इधर मेरी चाय बन चुकी है। यहाँ पर मैंने जो आलू बॉईल किए थे उसमें मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक बारीक काट के डाल दिया। और अब मैं इसमें मसाले डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इस आलू में सारे जो भी इसके बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हींग, जीरा, जो भी कुछ होता है वो मैंने इसमें डाल लिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इन आलुओं को चमचे की हेल्प से फोड़ लूँगी और जो इसमें मिर्च मसाला है सब मिक्स कर लूँगी। मैं हाथ से मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि जो इसमें मिर्च डली हुई है उस वजह से मेरे हाथ में जलन होती है। तो मैं हमेशा चमचे या चम्मच की हेल्प से ही मिक्स करती हूँ। और यहाँ पर ये बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको पिट्ठी को इसमें भर लूँगी और भरने के बाद मैं इस पर डाल दूँगी। और ये एक तरफ से सिक चुका है और दोनों तरफ से मैं इसको पलट कर तेल लगा लूँगी दोनों तरफ इस पर। और थोड़ा सा क्रिस्पी होता है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लेट लगा दी है, इनकी भी प्लेट लग चुकी है। और यहाँ मैंने इधर अंजलि की भी प्लेट लगा दी है। तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद बना करके मैं भी कर लूँगी अपना। तो अभी करीबन दोपहर का ही टाइम हो रहा है, 3:30 के आसपास का। और तो अब मैं बना लूँगी। थोड़ी थोड़ी भूख सी लग रही है सभी लोगों को, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट ना तो ब्रेकफास्ट है ना लंच था। तो अभी सब लोगों को भूख लग रही है। तो मैं अब मैक्रोनी और चाय बना लूँगी किचन में जा कर के, क्योंकि सभी को थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है। तो थोड़ा सा मैं जाके किचन में बना लूँगी। और जैसे ही यूवी को पता चलता है कि कैमरा ऑन है, उसकी और ज़्यादा मस्ती स्टार्ट हो जाती है और खेलना कूदना शुरू। और इसी तरीके से वो कूदता रहेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैक्रोनी और मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। तेल अच्छे से गर्म भी हो चुका है। इसमें मैं अब जीरा ऐड कर दूँगी और जीरे के बाद इसमें थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। मैंने मैक्रोनी के लिए टमाटर को काट लिया है बारीक, शिमला मिर्च काट ली है, प्याज को काट लिया है बारीक और 2 से 3 कलियाँ काटी हैं लहसुन की। तो अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। और प्याज डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भुनने दूँगी। और 1 से 1.5 मिनट मैं इसको अच्छे से भुनने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने। और इसी के साथ साथ मैं इसमें कटी हुई बारीक शिमला मिर्च भी डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा चला दूँगी। और इस तरफ मेरी चाय बन रही है। चाय सिर्फ मैं इन्हीं के लिए बना रही हूँ और कोई नहीं पीता हमारे यहाँ शाम को चाय। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस डालना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी इसमें। इसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी और नमक मैंने इसमें पहले भी ऐड कर दिया था। और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पास्ता मसाला।
और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, थोड़ा सा करना है बस, क्योंकि थोड़ा कच्चा कच्चा सा ही अच्छा लगता है, मुंह में आता है ना शिमला मिर्च वगैरह तो तब भी अच्छी लगती है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी सॉस ऐड कर दूंगी, टमाटो सॉस, और इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और जो ये सॉस है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं चाहे तो नहीं। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी और पास्ता इसमें डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको चमचे की हेल्प से थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे और इसी तरीके से ये पूरा मिक्स। यहाँ पर मैं सारी मैक्रोनी पास्ता को इस तरीके से मिक्स कर दूंगी अच्छे से चला करके, और इसमें जो भी मसाले डाले हैं वो सब अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैंने ऊपर से इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, हम लोगों ने शाम में चाय और मैक्रोनी वगैरह खा ली है, लंच आज हम लोगों ने नहीं बनाया था। तो यूवी आ चुका है यहाँ, और यूवी और मम्मा ने आज दोनों ने येलो येलो पहना है ना यूवी? हाँ। दोनों ने सेम सेम पहना है ना? अभी मुझे पूरा कमरा जो मेरा बेडरूम है वो पूरा फैला हुआ है, मुझे वो जाकर के पूरा सही करना है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं उस वाले कमरे को साफ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से वो पूरा रूम फैला हुआ है। हाय हेलो, हम दोनों ने येलो कपड़े पहने हैं। तो और उसके बाद मुझे तो देखिए यहाँ पर पूरा रूम की क्या हालत हो रखी है, पूरा रूम किस तरीके से खराब हुआ हुआ है। और ये वाले दरवाजे मैं बंद कर देती हूँ, देखिए क्या हालत हो रखी है पूरे रूम की। और इधर अंजलि बैठी हुई है, तो पूरा कमरा पूरा फैला हुआ है। इसको मैं अब सारे कपड़े जितने भी फैले हुए हैं इसको मैं अब सही कर दूंगी। और जो पीछे से सीटी की आवाज़ आ रही है, तो उसमें मैंने कुकर में राजमा चढ़ा दिया है, उसकी सीटी आ रही है तो राजमा उबल चुका है मेरा। ये जो सारे कपड़े फैले हुए हैं ये सारे अलमारी के कपड़े थे, दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे, तो इनको मैंने सोचा कि आज इनकी तय लगा के अच्छे से इन्हें इनकी जगह पर रख दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला फैला सा हो रहा था। मैं जा कर के जो चार्जर था उसका स्विच ऑन था उसको मैं बंद कर दूंगी और तार को फोल्ड कर दूंगी, और यूवी के स्कूल की जो कॉपी है उसको उठा करके मैं रख दूंगी। तो यहाँ
यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड कर दिया है और मैं इन सारे कपड़ों को इनकी जगह पर सही से लगा दूंगी। और इसे करने के बाद जो मेरा पूरा बेड है उसको मैं एक बार अच्छे से झाड़ के सही से उसके पिलो वगैरह अच्छे से लगा दूंगी ताकि पूरा बेड साफ़ रहे। इसके बाद मुझे किचन में जाके करनी है डिनर की तैयारी। और मैंने राजमा को उबलने के लिए रखा हुआ है, उसमें सीटी भी आ गई है अच्छे से। मैंने सब्जी किचन में धुल करके रखी हुई थी, उन्हें मैं सुबह फ्रिज में नहीं रख पाई थी, तो अब मैं इनको उनकी जगह पर रख दूंगी। टमाटर फ्रिज में, खीरे वगैरह फ्रिज में, और आलू बाहर टोकरी में। राजमा उबलने के लिए रखा हुआ था, वो बहुत अच्छे से उबल चुका है, तो अब मैं इसको छोंक दूंगी। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गरम होने के बाद उसमें तेल डालकर जीरा हींग डाल दिया था, और उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक जो भी था वो मैंने उसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको थोड़ा सा भुनने दूँगी, हल्की सी ब्राउन होने दूँगी प्याज को। 1.5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। और अब ये जो मसाला है ये भुन चुका है, और इसके बाद जो मैंने टमाटर का और हरी मिर्ची का पेस्ट बना करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसको चला दूंगी। और इसके मसाला भुन चुका है, इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्ची पाउडर। बाद में इसमें ऐड करूंगी सूखा हुआ जो धनिया पाउडर होता है वो ऐड कर दूंगी उसमें मैं। और इसके बाद मैं हल्दी बहुत थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि राजमा में हल्दी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है मैंने इसमें। और इसमें अब मैं जो राजमा है वो डाल दूंगी। और दो से तो राजमा की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर बनाई है थोड़ी सी राजमा की चाट, जिस तरह से चने की चाट बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर राजमा की चाट बनाई हुई है। बहुत टेस्टी लग रही है, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया हुआ है। राजमा मेरा बन चुका है और राजमा के साथ बनाऊंगी मैं चावल। तो मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है और कुकर में मैंने तेल जीरा डाल करके उसमें मैं चावल डाल दूंगी उसमें। और उसके बाद मैं इसमें जो भी चावल के साथ जो भी पानी ऐड होना है वो मैं पानी ऐड कर दूंगी, और नमक डाल करके मैं जो जितने भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना हो डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं चमचे से इसको अच्छे से चला दूंगी ताकि नमक सारे में मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा करके रख दूंगी। और तो रोटी मुझे सेकनी है, रोटी सिर्फ़ और सिर्फ मैं इन्हीं के लिए सेक रही हूँ क्योंकि इन्हें चावल के साथ रोटी ज़रूर चाहिए होती है। मुझे तो सिर्फ़ अगर चावल बने हैं तो मैं चावल ही खाती हूँ, चावल मुझे ज़्यादा पसंद है, रोटी सिर्फ मैं इन्हीं के लिए बना रही हूँ। मैंने रोटी बनाई, इतने ये बोलने लगी कि क्या बोलते हैं सलाद मैं काट देता हूँ और काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो बस तो खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम लोग खाना खा लेते हैं, आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर मेरा डिनर हो चुका है और मैंने अपनी किचन पूरी साफ़ कर दी है। और अभी जो है हम लोग रामायण देख रहे हैं बैठ करके, 9:45 का टाइम हो रहा है, तो अभी हम लोग रामायण देख रहे हैं। और यूवी जो है वो ऐसे ही अपनी खेल कूद कर रहा है। और तो यही था मेरा आज का व्लॉग, और इवनिंग का मैंने आपको रूटीन दिखाया था। हाँ, और यूवी पढ़ाई भी कर रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसे बता दो कि यूवी पढ़ाई कर रहा है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।